फ्रेंड्स, आलू टिक्की बर्गर तो आप लोगों ने बहुत खाया होगा, लेकिन ये चीजी मेयो वेज बर्गर शायद ही आपने खाया हो। तो आज इस नई रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए। उसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें, और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Hey friends, welcome back to my channel and you're watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमेंट्स करके बताना ना भूलें आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। कोई भी वीडियो मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। रोज 11 बजे एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ, और बहुत बार दिन में दो वीडियोज भी अपलोड हो जाते हैं। तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करें। गिव अवे में पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हैं इतने सारे एक्साइटिंग प्राइजेस, तो इसको बिल्कुल मिस ना करें। स्टार्ट करें आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। गिव अवे के प्राइजेस जीतने के लिए आपको वीडियोस को शेयर करना मस्ट है। वीडियोस को शेयर करने के बाद स्क्रीनशॉट आप मेरी मेल आईडी पर सेंड करें, तभी आप गिव अवे कॉन्टेस्ट जीत पाएंगे। तो देखते हैं हम ये वेज मेयो चीज बर्गर कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है कुछ वेजिटेबल्स, साथ ही साथ मैं यहाँ पर लूंगी चॉपर। चॉपर में इन सभी को चॉप करने वाली हूँ। तो लिया है प्याज, शिमला मिर्च और गाजर, इनको इस चॉपर की हेल्प से बारीक बारीक चॉप कर लूंगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बारीक बारीक नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं, या फिर ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्याज, शिमला मिर्च और गाजर बहुत ही बारीक बारीक कट चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी को भी मैं इसी तरीके से चॉप कर लूंगी। अगर आप धनिया और हरी मिर्च ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई और वेजिटेबल्स भी ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ये वेज मेयो चीज बर्गर है तो आप कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें बनाना है इसे कलरफुल और हेल्दी। तो आप देख सकते हैं सभी चीजों को मिक्स करने के बाद ये कितनी ज्यादा कलरफुल लग रही है। इस तरीके से कलरफुल स्टफिंग आपकी तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, साथ में स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च का पाउडर और ओरिगैनो जरूर मिक्स करें, तभी वो एक ट्विस्टेड फ्लेवर इसमें आ पाएगा। हम यहाँ पर बना तो बर्गर रहे हैं, लेकिन इसमें हम पूरा पिज्जा की फ्लेवर देने वाले हैं, इसलिए मैंने ओरिगैनो भी ऐड किया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ वेज मेयोनीज, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और ये आपके बर्गर को बनाएगा क्रीमी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 2-3 स्पून वेज मेयो ऐड करूंगी। अगर आपको कम लगता है तो थोड़ा और ऐड कर लीजिए, नहीं तो आप 2 स्पून ही ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेयोनीज और वेजिटेबल्स को आपस में मिक्स करने के बाद स्टफिंग आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा कलरफुल और क्रीमी लग रही है। ये स्टफिंग बहुत ही टेस्टी लगती है और आपके बर्गर को एक नया ट्विस्ट देने वाली है। यहाँ पर मैंने लिया है बन, और इसको पहले मैं 2 पीसेस में कट कर लूंगी, कुछ इस तरीके से जैसे कि हम बर्गर बनाने के लिए बर्गर को कट करते हैं। अब जो स्टफिंग हमने बनाकर रखी थी वो स्टफिंग हम इस बर्गर के एक पीस पर स्प्रेड कर देंगे कुछ इस तरीके से, और दूसरे पीस पर पहले हम स्प्रेड करेंगे थोड़ी सी सॉस, और उसके बाद हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे और चीजें। तो यहाँ पर पहले मैं ले लेती हूँ एक बंद गोभी का पीस, कुछ इस तरीके से मैंने कट किया है। दूसरे स्लाइस पर थोड़ी सी सॉस लगाई है, आप यहाँ पर पिज्जा सॉस या फिर शेजवान चटनी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, फिर हमने पत्ता गोभी का पीस रखा है, और अब इसको और ट्विस्टेड बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये चीज स्लाइस। जब हम इसको गर्म करेंगे और ये मेल्ट हो जाएगा ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसको ग्रिलर में ही ग्रिल कर रही हूँ, आप चाहें तो तवे पर भी सेक सकते हैं, दोनों ही केस में बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है। थोड़ा सा इसको बटर से ग्रीस कर दीजिए और इसको लगभग 2 मिनट के लिए टोस्ट कर लीजिए कुछ इस तरह से। जब ये 2 मिनट्स के बाद टोस्ट हो गया है, जस्ट लुक एट दिस, कि कितना क्रीमी हो गया है, कितना बढ़िया इसमें टेक्सचर आया है। जो चीज थी वो पूरे अच्छे से मेल्ट हो गई है, एंड इट इज लुकिंग चीजी क्रीमी वेज मेयो बर्गर, इट्स यमी। एक बार ट्राई जरूर करें, अपने बच्चों को जरूर खिलाएं, और आपके बच्चों को कैसा लगा ये चीजी क्रीमी वेज बर्गर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Don't forget to like and subscribe, and don't forget to participate in giveaway contest. Ta-da!